गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आवर सोलर सिस्टम के बारे में। उसका हमको आज क्वेश्चन टाइम करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में इसको आंसर देना है। पहला है अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि वो स्टार जो सोलर सिस्टम के सेंटर पे पाया जाता है वो तारे को हम क्या कहते हैं, तो सन हो जाएगा। एक वर्ड में आंसर इसका क्या होगा, सन। दूसरा है हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, कि हेवनली बॉडी जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लैनेट कहते हैं। तीसरा है नेचुरल सेटेलाइट्स ऑफ द सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का ज़मीन का नेचुरल सेटेलाइट क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा मून। चौथा है फर्स्ट फेज ऑफ द मून, फर्स्ट फेज ऑफ मून, मून का पहले फेज को हम क्या कहते हैं, न्यू मून। पाँचवा है ग्रुप्स ऑफ स्टार, स्टार के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, चीज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, कि करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और लिखना है। द पहला है द डॉट 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 सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा सन, जो सूरज होता है वो ज़मीन पे ज़िंदगी को सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, देता है, सहारा देता है, तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा है द मून टेक्स अबाउट डॉट 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 डेज टू गो अराउंड द सन, कि जो चांद होता है वो कितना दिन लगाता है, तो 28, ठीक है, 28 डेज लगाता है अर्थ के चारों तरफ, जब चक्कर लगाता है उसके चारों तरफ घूमता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी। तीसरा है द फर्स्ट फेज ऑफ द मून इज कॉल्ड, कि मून का पहले फेज को हम क्या कहते हैं, तो न्यू मून कहते हैं, इसका ऑप्शन होगा सी, इसका आंसर होगा सी। चौथा है पीपल हु स्टडी अबाउट हेवनली बॉडीज एंड आर कॉल्ड, जो हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनोमर्स, इसका आंसर होगा बी। पांचवा है ए डॉट 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 इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टेलीस्कोप, आंसर होगा इसका ए, यानी कि टेलीस्कोप एक ऐसा औजार है जिसको हम जिससे हम दूर की चीज़ें, बहुत दूर की चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे।